चलो ठीक है, ये जंगल की शान है, कितना शानदार लेपर्ड है, ऐसा शानदार लेपर्ड। दर्शकान राम राम, स्वागत है थारो जल को झुंझुनू गमा। मेरो नाम है आदर्श और आज आप बात कर सकें एक हाल ही की घटना की, जिसके अंदर की एक पैंथर उदयपुर वाटी का आबादी क्षेत्र के अंदर घुसायो हो, बिन की अब पकड़ की जो छापोली कदम कुंड है बड़े छोड़ दियो गयो है। इन पकड़न के लिए जो टीम आई बा टीम सरिस्का वन्य अभयारण्य आई और जो झुंझुनू को वन विभाग है इके सागा मिल के भी पैंथर ने पकड़ो। और ये पूरा ऑपरेशन के टाइम जो उदयपुर वाटी का विधायक ही वह भी ये टीम का सागा ही हा, राजेंद्र सिंह गुड्डा, तो वह एक बहुत ही बढ़िया संदेश पहुंचाया है ये पूरा ऑपरेशन का माध्यम और वीडियो बना के आपकी फेसबुक पर भी गे रहे है। बस संदेश कुछ है हो कि अपन पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और जो वन्य जीव ही बस जी इलाके में रहें, जो मतलब वन को इलाको है भी इलाकम नहीं जानो चाहे, आप अबा का इलाकम कौन जाऊँगा जना वह भी अपना इलाकम को नहीं आऊँगा और कोई भी प्रकार क्षति नुकसान होनू आपा बच जाऊँगा, क्योंकि थान पतो है जानवर एक हिंसक जानवर है पैंथर एक, तो वो कोई भी इंसान की जान माल के लिए खतरों साबित हो सके है। तो बिन देखता जो राजेंद्र जी गुड्डा ही वह एक संदेश दियो है कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और जो वन्य जीव ही बाका सागा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। दूसरों वह एक ऐ भी कहो कि अगर आपा प्रकृति की रक्षा करांगा जदि प्रकृति अपनी रक्षा करेगी नहीं, अपने के लिए ही नुकसान है भी सारी चीज में। तो अभी थान भी वीडियो की कुछ क्लिपिंग में स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। आबादी से रेस्क्यू किया गया है और ये जंगल का जीव है और ये हम इसको यहाँ जितना सुरक्षित रखेंगे, हम इसके घर के अंदर आदमी इंसान घुस रहा है, इससे हमारा ये पैंथर है टाइगर है अनसेफ हो रहे हैं। तो अभी इससे परेशान होके आबादी में घुस जाते हैं, फिर हमारी ये वन विभाग की टीम अपनी जान पर खेल के और इसको रेस्क्यू करके वापस जंगल में छोड़ते हैं। इसलिए इंसान से एक गुजारिश है कि इंसान इनके घरों के अंदर दखल ज्यादा न दे, इससे ये जानवर अनसेफ हो जाता है और हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे जंगल के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए इस जानवर को, इस वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमारे हुड्डा साहब को, जो डीएफओ साहब हैं, हमारे रेंजर साहब हैं, हमारी रेस्क्यू टीम है, इसको सफल रेस्क्यू के लिए जो इन्होंने शानदार रेस्क्यू किया है इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इन्होंने आबादी से इसको रेस्क्यू करके इसको वापस सुरक्षित जंगल में छोड़ रहे हैं, तो इसके लिए मेरा पूरी वाइल्ड लाइफ टीम को, आप शंकर सिंह जी हैं इनके नेतृत्व में ये टीम आई है, इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं सफल रेस्क्यू के लिए। और मैं सभी इंसानों से ये गुजारिश करता हूं कि जब जंगल सेफ रहेंगे, हमारी वाइल्ड लाइफ सेफ रहेगी, इससे हमारा पर्यावरण सेफ रहेगा, इसी से हम इंसान सेफ रहेंगे, तो हम इनके घरों के अंदर ज्यादा दखल नहीं दें। धन्यवाद।
और इसका इतना शानदार रेस्क्यू करने के लिए मैं पूरी टीम को दिल से हमारे बाड़मेर से जिसके लिए रेस्क्यू टीम में आए हुए हैं, हमारे शंकर सिंह जी हैं, हमारे राजेंद्र सिंह जी हुड्डा जवान अपनी जान पर खेल के अपनी जान हथेली पर लेके आप उसका रेस्क्यू करते हैं एक हिंसक जीव के पास जाकर और उसका सफल रेस्क्यू करना उस जान जीव को भी वो टाइगर को लेपर्ड को भी नुकसान नहीं हो और इसके लिए मैं आपको और खुद को भी सेफ रखे और जनता को सेफ रखे ये किसी बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने से कम खतरा नहीं है ये बहुत बड़ा खतरा है हिंसक जानवर के पास जाना उसको लेके आना और इस पूरे ऑपरेशन के लिए मैं हमारे शंकर सिंह जी और उन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपोली कदम कुंड जी के अंदर की पल्लियों 10-12 जो पैंथर ही वह रह रहे हैं अन भी साबु ही पकड़े हो कि पल्ली आबादी क्षेत्र में घुसा है आबाद मान पकड़ के बड़े छोड़ दियो गयो इस सारी जानकारी जो वीडियो है भी वीडियो के अंदर राजेंद्र जी गुड्डा दे रहे हैं थे वीडियो देखियो था वीडियो की शौक लागो नीचे कमेंट करके जरूर बतायो जलको झुंझुनू देखता रहो चैनल ने सब्सक्राइब करो थारों कोई वीडियो नहीं छूटे एक लेकिन जो बेल आइकन है बिन भी दबाओ और वीडियो ज्यादा शेयर करो ताकि और भी लोगों बेरो पार्ट्स के जय हिंद जय झुंझुनू।